Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study about what is automorphism. Okay, so start करते हैं उसके definition से. So देखो इसके definition क्या है? An isomorphism phi, which is a mapping from G to G onto itself, is called as automorphism of G. Okay, so देखो isomorphism में कैसे रहता था? G to G dash रहती थी mapping. Okay. यहाँ पे डोमेन था जी एंड कोडोमेन इज जी डैश इन आइसोमॉर्फिज्म. लेकिन यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म में कैसे है? ग्रुप सेम है, मींस जी टू जी. ओके, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर सेम इन केस ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म. ओके, सो देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी. अ मैपिंग फाई विच इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन इज फाई इज अ बाइजेक्शन. ओके, एंड सेकेंड वन इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म. सो अब देखो बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? वन वन एंड ऑन टू. ओके, हमें पता है वॉट इज वन वन एंड ऑन टू. एंड होमोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. ओके, देन वी कैन से दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म. ओके, सो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए कौन सी तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फाई को? वन वन, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म. ओके, सो अ मैपिंग फाई विच इज वन वन, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म विल बी कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म. ओके, ऑफ जी. सो अभी देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म. सो आइडेंटिटी मैपिंग जो रहती है that is an automorphism. okay, so identity mapping is defined by phi, which is a mapping from z to z. okay, and it is defined by phi of x is equal to x for all x belongs to z. okay, this mapping is called an automorphism because all the three conditions are satisfied by this mapping phi. कौन सी तीन conditions? वन वन, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म. ओके, देखो वन वन में क्या रहता है? देखो दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन. ओके, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू. ओके, सो एक्स वन की इमेज कोडोमेन में क्या मिलेंगी? फाई ऑफ एक्स वन. ओके, एंड एक्स टू की इमेज कोडोमेन में क्या मिलेंगी? अंडर मैपिंग फाई, फाई ऑफ एक्स टू मिलेंगी. ओके, सो नाउ इफ दीज टू इमेजेस आर सेम, अगर ये दो इमेजेस सेम हो, ओके, देन दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम. ओके, सो अगर ये दो इमेजेस सेम हो गई देन एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. ओके, सो इसी को बोलते हैं वन वन. ओके, इफ इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट्स आर सेम देन द मैपिंग इज कॉल्ड वन वन. ओके, सो अभी देखते हैं व्हाट इज ऑन टू. सो देखो ऑन टू में क्या होता है? फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन देर मस्ट बी अ प्री इमेज इन डोमेन. ओके, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है कोडोमेन में उसकी प्री इमेज क्या होनी चाहिए? डोमेन में होनी चाहिए. ओके, हर एक एलिमेंट की. ओके, देखो प्री इमेज किसको बोलते हैं? देखो समझो यहाँ पे एक्स वन है. ओके, सो उसकी इमेज क्या मिलेंगी यहाँ पे कोडोमेन में? फाइ ऑफ एक्स वन. ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड प्री इमेज. ओके, ऑफ दिस. ओके, सो एक्स वन को बोलेंगे यहाँ पे प्री इमेज ऑफ फाइ ऑफ एक्स वन. ओके, सो जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जेड में विच इज कोडोमेन, सो उसकी क्या मिलनी चाहिए हमें? डोमेन में प्री इमेज मिलनी चाहिए हर एक एलिमेंट की. ओके, देन वी विल से दैट मैपिंग इज ऑन टू. ओके, एंड होमोमॉर्फिज्म तो आपको पता ही है, दो एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं डोमेन में से. सो सपोज एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू जेड. ओके, सो हम कंसिडर करते हैं अभी फाई ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू. ओके, सो देखो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? एक्स मिलती है. सो फाई ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू क्या मिलेगा? एक्स वन इंटू एक्स टू. ओके, जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म थी वही मिलती है एज इमेज. ओके, इन कोडोमेन. सो
Now x1 can be written as phi of x1, okay, and x2 can be written as phi of x2. Therefore phi of x1 into x2 is equal to phi of x1 into phi of x2. Therefore phi is homomorphism, okay. So here the identity mapping phi is 1 1 onto an homomorphism, therefore it is automorphism, okay. Now the set of all automorphism of G is denoted by A of G, or AUT means automorphism of G, okay. So aise denote karte hain the set of all automorphism of G ko, okay. So dekho jitni bhi mappings niklengi 1 1 onto an homomorphism, ओके जितनी भी मैपिंग्स निकलेंगी जी की उसका हम सेट बनाएंगे और उसको कैसे डिनोट करेंगे ए ऑफ जी से या तो फिर इससे डिनोट करते हैं ओके. सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोमॉर्फिज्म. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज इन ऑटोमॉर्फिज्म. सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. थैंक यू.